तो हेलो एवरीवन, दिस इज सागर राजक। तो भाई आज एक नई वीडियो अपन शूट करने जा रहे हैं जो कि एक कैफे का वीडियो होने वाला है। तो कोशिश करूंगा कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा एडिट हो और आप लोगों को पसंद आए। कुछ कुछ नए मैं तरीके लाया एडिट करने के, तो इस वीडियो पर इम्प्लीमेंट करूँगा। तो आज का जो वीडियो होने वाला है हम कोकास कैफे में करने वाले हैं, जो कि हाल ही में अभी मेरे फ्रेंड के थ्रू खोला गया है। तो उसने बोला कि भाई एक वीडियो शूट कर ले, तो आइए आपको इसकी सिनेमैटिक्स दिखाते हैं और आप सिनेमैटिक्स को एंजॉय करके नीचे कमेंट करिएगा कि कैसा सिनेमैटिक्स। बाकी वीडियो अपन आगे शूट करते हैं। यहाँ का ये मेन्यू कार्ड है, आप जैसे कि देख सकते हो। इसके कुछ स्क्रीन शॉट्स मैं वीडियो पर डाल रहा हूँ और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा मैं इसकी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। साथ में सर क्यूआर कोड मिल जाता है इंस्टाग्राम का, जहाँ आप कैफे को फॉलो करके इसके बारे में और कुछ जान सकते हो। तो अभी चलते हैं, हमारा कुछ डिश आ रहा है, दिन बताते हैं आपको क्या डिश है वो और उसको टेस्ट करके रिव्यू देते हैं आपको। मेरा जो है मुंह तो आ गया ब्लैक एंड ब्लू फिलहाल, तो अभी इसको बहुत मैं स्टीर किया तो पूरा है ब्लैक हो गया है। इसको एक बार टेस्ट करके बताता हूँ मैं आपको कि कैसा टेस्ट है इसका। इसका जो बेसिकली जो टेस्ट है ना, ब्लैक और एक जो ब्लू मोहितो आता है, दोनों का मिक्सचर मेरे को लग रहा है। ये काफ़ी सा ऑसम टेस्ट है इसका। और मैंने अभी एक सैंडविच ऑर्डर किया है, बॉम्बे मसाला सैंडविच उसका नाम है। आपको उसका दिखाता हूँ कि उसका लुक कैसा है, उसकी गार्निशिंग कैसी है, टेस्ट कैसा है, आगे के ब्लॉग में आप देखते रहिए। तो गाइस फाइनली हमारा जो फेमस बॉम्बे मसाला सैंडविच जो है कोकास कैफे का, वो यहाँ पे आ चुका है। तो देख सकते हैं, मतलब एक काफ़ी क्रंची सा लग रहा है यहाँ पे, और इसके अंदर का बैटर क्या है टेस्ट करके बताता हूँ। बोली ऑसम, काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग टेस्ट के अंदर, आलू की फीलिंग मिलती है। एंड उसकी गार्निशिंग देखो, रोज पेटल्स और बीट रूट से दी गई है। इसको फिनिश करते हैं एंड इसका और जो पिछला मोहितो था, दोनों का रिव्यू आपको देता हूँ आगे ब्लॉग में। भाई बात करूँ सैंडविच की प्राइस की, तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है सैंडविच का, मात्र 140 रुपये ओनली, 140 का सैंडविच है। चार स्लाइस मिलती है ट्रिपल लेयर के साथ, ब्रेड की आप देख सकते हो ट्रिपल लेयर है। तो भाई 140 काफ़ी ज़्यादा वर्थ है इसके लिए। और जो हमारा जो मोहितो था ब्लैक एंड ब्लू मोहितो, इसकी जो प्राइस थी 100 रुपीज़ थी। इंटीरियर आप सिनेमैटिक्स में इंजॉय कर लिए होंगे, एक बार ओवर रिव्यू इंटीरियर आप दिखा दूंगा मैं, तो आगे ब्लॉक में बने रहना एंड तक। फिर गाइस हमने अपना जो स्पेशल फूड्स और ड्रिंक्स थे वो दोनों हम ख़त्म कर चुके हैं। एंड जो सिटिंग प्लेस की जो बात करें भाई, इस वाले जो बैंक्वेट में 20% की कैपेसिटी सिटिंग कैपेसिटी आप देख सकते हैं जैसे। एंड अंदर जो शेखर खड़ा है, एक वो भी बैंक्वेट है, वहाँ पे जो सिटिंग प्लेस है वहाँ 10% समथिंग कुछ बैठ सकते हैं। अंदर का भी आपको दिखाता हूँ कि कैसा सिटिंग अरेंजमेंट है वहाँ का। बाकी यहाँ के जो लाइट एम्बियंस वगैरह इन्वायरमेंट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। एंड गाइस ये जो कैफ़े में आप अपनी किटी पार्टीज वगैरह बर्थडे पार्टीज एंड फैमिली के साथ आओगे ना, तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक मतलब मेमोरेबल मोमेंट रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ की जो लाइटिंग वाइटिंग जो है एंड जो यहाँ की जो सजावट नहीं ना, कि जो सजावट की जो चीज़ें ना भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि ये कैफ़े जो आजकल जो ये कैफ़े आ रहा है ना,
वो काफ़ी मॉडर्न टाइप में आ रहा है। बट ये कैफे एक जब रोमान का थीम दिया गया है, आप नीचे देख सकते हो कि भाई जो पेबल्स दिए, जैसे कि एक रोमन या ब्राज़ील में जो कैफे रहते हैं उस पर अपने यहाँ का थीम दिया हुआ है। तो ये अपना था एक बैंक्वेट, अंदर का एक बैंक्वेट आपको मैं दिखाता हूँ आगे। एक बैंक्वेट हमको ये मिल जाता है जहाँ 10% समथिंग कुछ की सीटिंग है, एक शेकर बैठ गया, एक बड़ा सोफ़ा यहाँ मिल जाता है एंड दूसरा सोफ़ा एक बड़ा अपन को यहाँ मिल जाता है। तो दो बैंक्वेट की प्लेस मिल जाती है हाफ पार्टीशन में एंड फैन ऐसी सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। लाइटिंग वगैरह जो एम्बियंस है काफ़ी ज़्यादा ऑसम लुक देती है। तो भाई इतना कुछ कैफ़े के लिए भाई सफिशियंट है। और कैफ़े का थीम आपको बता दिया हूँ, रोमन ब्राज़ील थीम है कुछ। और तो भाई काफ़ी फूड वूड डिलीशियस था यहाँ का, और स्टाफ भी काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहे थे अपने कस्टमर के साथ। एंड गाइस यहाँ का जो थीम आपको जो मिलता है, मैं बताया हूँ जैसे कि रोमानिया बेस्ड, मतलब एक जो रोमन कंट्री में कैफ़े रहता है ना, सेम वैसा ही यहाँ का कुछ इन्वायरमेंट है। आप देख सकते हैं कुछ वहाँ की जो मोन्यूमेंट्स, स्टैचूस वगैरह, फोटोज़ वगैरह जो लगी हुई है, सेम यहाँ पे ऐसे कैफ़े में लगी हुई है। सारे तरफ देखोगे तो वैसा ही कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, सेम उधर भी फोटोज़ पिक्चर्स लगी हुई है, मोन्यूमेंट्स स्टैचूस वगैरह जैसा रोमन का थीम है, सेम वो यहाँ पे आपको रानिंग गाँव के कोकस कैफे में मिल जाएगा। तो आगे देखते रहिए कुछ। यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट में देखा था जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब दिल को छूने वाला सेल्फी पॉइंट था, वहाँ आके फोटो ज़रूर खिंचाइएगा आप। सो भाई जब मैं सेल्फी पॉइंट की जो बात कर रहा था कोकस कैफे में, वो हमको ये सामने मिल जाती है नियॉन गर्ल द कोकस नाम से। तो भाई काफ़ी अच्छी स्पॉट है फोटोज़ के लिए, तो आप देख सकते हैं एक बार। एंड लश ग्रीन यहाँ पे आपको छोटा सा मिनीचर गार्डन सा मिल जाएगा, देख ही सकते हो काफ़ी ऑसम सा। गाइस ये था हमारा कुछ कोकस कैफे का कुछ ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग था कैसे लगा कमेंट में नीचे करके बताइएगा, क्योंकि भाई मेरा तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, अंदर का इंटीरियर वगैरह देख के माइंड फ्रेश हो गया, वीडियो बनाने मतलब एक अलग सी मोटिवेशन आ गई। तो आपको कैसे लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी लगा। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके कर लो सब्सक्राइब, आगे की ऐसी वीडियो आते रहेंगी। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।